हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा का इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हर बार, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। तो छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है। हाल फिलहाल में जो आपका पेपर हुआ है TGT, उसमें भी यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा जीके की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी की भी क्लासेज अपनी चली हुई है, हरियाणा जीके की भी हमने स्टार्ट कर रखी है, रोड सेफ्टी हमने कंप्लीट कर लिया है, उसी में से आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 वीडियो मैंने डाल दी है, एक टॉपिक आपका बचा है सिर्फ। तो बाकी के जो मैंने डाले हुए हैं वहीं से क्वेश्चन आपके सारे के सारे लगभग पूछे गए हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा रोड सेफ्टी भी एक बार आप। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग अपनी हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर है, तो जरूर देखिएगा। सारी की सारी चीजों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस लाने का। जितना ज्यादा आप मुझे प्यार दिखाएंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोज लाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम केवल डिस्कस करेंगे, बाकी चीजें आपको नहीं पढ़नी है फालतू की, केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही हम करेंगे। अब देखिए, जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना सबसे पहले लाहौर में की गई थी, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से, लाहौर में की गई थी, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से की गई थी। कहां पर? लाहौर में। और कब? 1915 एक्ट के तहत, ठीक है, 1915 एक्ट के तहत 21 मार्च, याद रखेंगे 21 मार्च 1919 को। पहला प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा, जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट है उसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? लाहौर में 1915 एक्ट के तहत 21 मार्च 1919। क्लियर है? 21 मार्च 1919 आप याद कर लेंगे। अब देखिए, जब ये बना था तो उस समय पर न्यायाधीश कौन थे? कौन थे सबसे पहले न्यायाधीश? भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे सर सादीलाल बत्रा, याद रख लेंगे सर सादीलाल बत्रा। ठीक है, ये सारे के सारे अपने आप में प्रश्न है। हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना लाहौर में हुई थी, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से, 1915 एक्ट के तहत, ये भी पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत की गई थी 1915, और कब की गई थी? 21 मार्च 1919। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय न्यायाधीश कौन थे? सर सादीलाल बत्रा। इसकी मैं ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा न्यायाधीश याद करने की, एक बार हम पढ़ लेते हैं टॉपिक, उसके बाद बताऊंगा कैसे याद करना है आपको। सबसे पहले कौन से थे उस समय जब बना था? सर सादीलाल बत्रा आप लोगों को याद रखना है। और ये कहां के थे? ये रेवाड़ी के, कहां के हैं? रेवाड़ी के। और ये कब बने थे? 1 मई 1920। ठीक है, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 1 मई 1920 को। क्लियर है? अब देखिए, जब लाहौर में बना, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त, सभी को पता है 1947 को, कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो लाहौर से इसको शिफ्ट कर दिया गया शिमला। कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया? लाहौर में स्थापना की गई थी, फिर लाहौर से ये शिमला में शिफ्ट कर दिया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। तो जब ये शिफ्ट किया गया शिमला में, उस समय इसके कौन थे न्यायाधीश? तो अब्दुल राशिद। 15 अगस्त 1947 को कौन थे? अब्दुल राशिद। क्लियर है, इतना कर लेंगे आप, अब्दुल राशिद। अब देखिए, आज़ादी के टाइम तो हमने पढ़ लिया अब्दुल राशिद थे, लेकिन 1947 के बाद, ठीक है, 1947 के बाद, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1947 के बाद जो न्यायाधीश थे वो आप लोगों को याद रखना है, वे कौन थे? तो रामलाल और सुधीर रंजन चौधरी। पहले कौन बने? रामलाल। राम का नाम लेकर आज़ादी मिल गई, उसके बाद कौन बन गए? रामलाल या फिर सुधीर रंजन चौधरी, आपको दूसरे याद रखने हैं, रामलाल के बाद सुधीर रंजन चौधरी। क्लियर है? या सुधीर रंजन दास, चौधरी दास। क्लियर है? 1947 के बाद, इतना आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए, जब आज़ादी भी मिल गई, न्यायाधीश भी आपके बदल गए, उसके बाद क्या हुआ? शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, कब शिफ्ट किया गया ये आप लोगों को याद रखना है, 17 जनवरी, इंपॉर्टेंट है तारीख, 17 जनवरी 1917
55 को जो शिमला से हाईकोर्ट को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, ये शिमला से फिर कर दिया गया भाई चंडीगढ़। कहाँ पे कर दिया गया, चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। शिमला से चंडीगढ़ कब शिफ्ट किया गया, सन मिले तो 1955, तारीख मिले तो 17 जनवरी 1955। और जब ये शिफ्ट किया गया उस समय पे न्यायाधीश कौन थे, तो अमरनाथ भंडारी। कौन थे, अमरनाथ भंडारी। तो ये आप याद कर लेंगे, अमरनाथ भंडारी। क्लियर है, इतना हो जाएगा। लाहौर से शिमला शिफ्ट किया, शिमला से फिर चंडीगढ़ 1955 में, और उस समय कौन थे, अमरनाथ भंडारी थे। क्लियर है। तो सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था, पूछा जाएगा सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो कौन से न्यायाधीश का था, सबसे लंबा कार्यकाल, तो वो था भाई अमरनाथ। एक बार भंडारा जब शुरू हो जाए तो पता नहीं लगता कब खत्म होगा, तो लंबा चलता है, लंबा चलता है भंडारा। तो अमरनाथ भंडारी केवल याद करने के लिए आप लोगों को बताया है। और ये कब से कब तक थे, 1952 से 1959। क्लियर है, ये याद कर ले। अब सबसे लंबा हमने याद किया है, तो सबसे छोटा भी याद करना पड़ेगा। तो देवी सिंह तेवतिया, देवी सिंह तेवतिया सबसे छोटा कार्यकाल, ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल इनका था 12 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 1989, सबसे छोटा कार्यकाल। सबसे लंबा पढ़ लिया, कार्यकाल किसका था, अमरनाथ भंडारी, ठीक है, 1952 से 1959। सबसे छोटा देवी सिंह तेवतिया, सबसे कम कार्यकाल 15 अक्टूबर यहाँ पर आपको याद रखना, 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 1900 है ये, 87 से 89, ठीक है। अमरनाथ भंडारी 52 से 59, सबसे लंबा, सबसे छोटा 15 से 29 अक्टूबर 1987, इतना आपको याद करना है, याद हो जाएगा। चंडीगढ़ ये शिफ्ट हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तो भगवान की मेहर हुई थी हम पर, तो मेहर सिंह उस समय पे कौन थे, मेहर सिंह। हरियाणा बना तो मेहरबानी हो गई थी भगवान की, तो हरियाणा बन गया, तो मेहर से याद कर लेंगे, मेहर सिंह 1 नवंबर 1966 को। क्लियर है, ये आप लोगों को याद करना है इतना। 1915 में बना लाहौर में, 1915 एक्ट के तहत 21 मार्च 1919 को। उसके बाद न्यायाधीश कौन थे, सर शादीलाल बत्रा थे, ये कहाँ के थे, रेवाड़ी के, 1 मई 1920 को बने थे। फिर लाहौर में जब आज़ाद हुआ, लाहौर से शिमला शिफ्ट कर दिया गया, उस समय कौन थे, अब्दुल राशिद। और इसके बाद पूछे तो रामलाल या फिर सुधीर रंजन, आपको याद करना है। फिर ये चंडीगढ़ आपका शिफ्ट कर दिया गया 17 जनवरी 1955 को। शिफ्ट करते वक्त कौन थे, अमरनाथ भंडारी। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था, 1952 से 1959। लंबा याद किया तो सबसे छोटा कार्यकाल भी याद करना, देवी सिंह तेवतिया 15 से 29 अक्टूबर 1987। फिर हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, भगवान की मेहरबानी हुई, तो मेहर सिंह। इसके अलावा आपको याद रखना है हमारे करंट के 35 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 35 में कौन है, रविशंकर झा। जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा चुका है, रविशंकर झा। यदि 35वां याद कर रहे हैं तो 34वां भी याद कर ले, कृष्ण मुरारी, ये भी पूछा जा सकता है, कृष्ण मुरारी। पहले याद रखने हैं, 34वें याद रखने हैं, 35वें याद रखने हैं, रविशंकर झा हैं अभी करंट के, और 34वें कौन थे, कृष्ण मुरारी। क्लियर है, ये आप लोगों को इतना याद रखना है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। क्लियर है, इसको रब करते हैं। अब संख्या आप लोगों को याद करनी है, जो संख्या होती है न्यायाधीशों की वो कितनी होती है। अब देखिए, बुक्स आप पढ़ेंगे, बुक में अलग अलग मिलेगा आपको, हरियाणा एसएससी कुछ मानती है, कभी कुछ कभी कुछ, और विकिपीडिया पे यदि आप सर्च करेंगे हाईकोर्ट के बारे में, वहाँ पर आपको कुछ मिलेगा। तो मैं सभी बता देता हूँ आपको, स्थाई भी याद रखने हैं और अस्थाई भी याद रखने हैं। स्थाई पूछा जा सकता है और अस्थाई भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको याद रखना है। विकिपीडिया पे आप यदि देखेंगे, ठीक है, स्थाई और अस्थाई कितना दिया है आपका, 64 और 21। स्थाई कितने हैं भाई, 64
और ये कितने हैं 21, और टोटल की बात करें तो कितने हैं 85। ठीक है, कुल मिलाकर कितने हैं 85 हैं, आप लोगों को याद करने हैं। और यदि हम अभी देखें 16 अगस्त तक का डाटा देखें, यदि 16 अगस्त 2022 तक का यदि हम डाटा देखते हैं तो 27 मेंबर कितने हैं 40 हैं, और अस्थाई कितने हैं 17 हैं, तो टोटल कितने हो गए 57 हो गए, कितने हो गए 57 है। लेकिन हरियाणा सर सी ऑप्शन ये नहीं देगा, 56 देगा या 55 देगा, तो वो आपको लगा देना है, क्लियर है। तो विकिपीडिया पे देखेंगे तो 64 21, यदि वो ना मिले तो 85 भी याद रखना है, नहीं तो फिर 57 या आपको याद रखना ही रखना है, जिसमें 27 और अस्थाई दोनों आप लोगों को याद रखने हैं, क्लियर है। इतना आप लोगों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बारे में पढ़ना है। एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जो न्यायाधीश तो थे ही थे, इसके साथ साथ वो राज्यपाल भी रहे हैं। राज्यपाल, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ वहाँ पर भी मैंने करवाया है, दो व्यक्ति ऐसे हैं, ठीक है, जो न्यायाधीश के साथ साथ राज्यपाल भी रहे हैं, रंजीत सिंह नरूला, ठीक है। राज्यपाल में मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, वहाँ पे भी बताया है रंजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह संधवालिया। तो सुरजीत, दोनों के पीछे जीत नाम है, संधवालिया याद रख लेंगे, संजीत सुरजीत इतना याद रख लेंगे, वो भी बहुत है, रणजीत और सुरजीत, कर लिया नोट डाउन। आगे चलते हैं, 2022 तक का डाटा आपका 57 मेंबर है, 40 प्लस 17। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है महाधिवक्ता का, ठीक है, अब वो और पढ़ लेते हैं, वो भी पूछ लिया जाता है, केवल जो पूछा जाएगा वो बताऊंगा मैं। इसको एक बार अब कर देते हैं महाधिवक्ता, अब देखिए जो प्रश्न पूछा जाएगा कि इसकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होती है, किसके द्वारा होती है, तो राज्यपाल के द्वारा होती है सबसे पहले तो इसकी नियुक्ति, और आर्टिकल अनुच्छेद 165 के तहत होती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 165 है। तो पूछा जाएगा सबसे पहले महाधिवक्ता कौन थे, ठीक है, सबसे पहले और अब कौन है, तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है, पहले और अब दोनों के दोनों याद रखने हैं। बाबू बल से याद करवाया है मैंने क्वेश्चंस में भी, बाबू बल, तो बाबू से बाबू आनंद स्वरूप और बल से बलदेव राज, तो बाबू बल, पहले बाबू थे फिर बल, क्लियर है, बलदेव आपको याद रखना है, महाजन भी मिलेगा या बलदेव राज मिलेगा, तो दोनों महाजन कर लो, यहाँ पे राज ना मिले तो महाजन, पहला नाम आपको क्लियर होना चाहिए, बलदेव और बाबू आनंद, ठीक है, बलदेव महाजन और बाबू आनंद, क्लियर है, ये आप लोगों को याद करना है। तो ये थे आपके पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के, क्लियर है। अब देखिए आपको याद कैसे करने हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लाहौर में स्थापना हुई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की, लाहौर में 1915 एक्ट के तहत 1919 में हुई थी, तो उस समय कौन थे, तो उस समय कौन थे भाई, साधीलाल, ठीक है, कौन थे, साधीलाल। फिर लाहौर से 15 अगस्त 1947 को ये कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, सॉरी शिमला में, कहाँ पर, शिमला में। तो जब 1947 की बात करें तो उस समय कौन थे, अब्दुल राशिद, कौन थे, अब्दुल राशिद, और 1947 के बाद की बात करें तो रामलाल, कौन थे, रामलाल, क्लियर है। तो ये याद रखना है 1947 के समय पे कौन थे और 1947 के बाद। अब जब शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया तो उस समय पे कौन थे भाई, भंडारी, अमरनाथ भंडारी। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा, वो भी हम पढ़ चुके हैं, 52 से 59, ठीक है, ये आप लोगों को याद करना था। उसके बाद अमरनाथ भंडारी के बाद हरियाणा बना, हरियाणा बनने के समय वो कौन थे, मेहर हुई, चंडीगढ़ में ही था, तो मेहर सिंह, मेहर सिंह जब हरियाणा बना। तो 34 में हमने पढ़े कौन से थे, कृष्ण मुरारी, कौन से थे,
क्रेशन मोर आ रही है। और 35वें आपको तो करने ही करने हैं, 35वें कौन है? रवि शंकर झा, रवि शंकर झा, ये आप लोगों को पढ़ना है, क्लियर है? लाहौर, लाहौर से शिमला, शिमला के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ में आपके दो रहे, ठीक है, मेहर सिंह और अमरनाथ, 34वें और 35वें। अब याद कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले लाहौर में शादी करी, ठीक है, लाल थे माँ के, शादी कर ली लाहौर में, लाहौर में शादी करने के बाद शिमला राम के सबसे बड़े भगत हनुमान से मिलने गए। सबको पता है कि शिमला में झाकू, ठीक है, सबसे ऊंची हनुमान की मूर्ति है, वहाँ पर मिलने गए, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। लाहौर में शादी करी, शिमला में राम के भगत हनुमान से मिलने गए और वहाँ से आकर भंडारा दिया चंडीगढ़ में, ठीक है, कहाँ पर भंडारा दिया? जब आप ये ट्रिक याद कर लेंगे ना, सिर्फ नाम भी एक बार पढ़ लेंगे तो हिंट आपको याद आएगा एग्जाम में, भंडारा, हाँ चंडीगढ़ में भंडारा, इस तरीके से चंडीगढ़ में भंडारा दिया, फिर आपका हरियाणा बना नवंबर में, तो उस समय भगवान की मेहर हो गई, भगवान की मेहर हो गई हम पे, तो मेहर सिंह थे। 34वें कृष्ण, ठीक है, भगवान की मेहर हो गई, कृष्ण ने फिर मुरारी बजाई, मुरारी के बाद रवि शंकर झा अभिकरण के तो है ही है, क्लियर? तो ये था आपका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, क्लियर है? आपको याद कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और हरियाणा के किसी भी टॉपिक को आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।